अक्षरा बेटा दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों बंद किया है तूने? हाँ अक्षरा, अक्षरा दरवाजा खोल बेटा। अक्षरा बेटा अपनी दादी से भी बात नहीं करेगी? देखिए तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है, जरूर कोई बात हुई है। शौर्य मुझे साफ साफ पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? अक्षरा इतने दिनों से परेशान है, लेकिन उसने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। माँ मुझे नैतिक जी से ये उम्मीद नहीं थी, वो हमें सिग्नल पे मिले थे, उन्होंने अक्षरा को देखा और बिचारी अक्षरा गाड़ी से उतर के उनसे मिलने के लिए गई, लेकिन जैसे ही बात करने के लिए उनके पास पहुंची तो उन्होंने गुस्से में आके गाड़ी चला दी, एक लफ्ज तक नहीं बोला उन्होंने। ये तो अक्षरा का अपमान है ना, आखिर वो उनकी बीवी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं भला वो? मतलब जमाई से सामने से चले गए? हे भगवान, इतना गुस्सा भरा है जमाई सा के मन में हमारी अक्षरा के लिए। अब क्या होगा? मुझे तो माँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी अक्षरा ने? और अक्षरा के ससुराल वाले वो क्या समझते हैं, हम अपनी शराफत की वजह से चुप हैं तो उन्होंने हमारी बहन को क्या समझ लिया है? शौर्य बस बहुत हो गया है, मैं अभी जाता हूँ और जाके नैतिक जी से बात करता हूँ कि ऐसा बर्ताव क्यों, आज तो बात का खुलासा करना ही पड़ेगा। नहीं शौर्य, तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी। शौर्य नहीं, वो चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर ले मगर हमें शांत रहना होगा बेटा, ये मामला बहुत नाजुक है और क्रोध बुद्धि का बैरी है। अभी जमाई साहब गुस्से में है, जब वो शांत हो जाएंगे तब हम उनसे बात करेंगे। लेकिन दादी जो आज उन्होंने किया है ना वो देखकर कोई भाई चुप नहीं रह सकता। शांति रख बेटा शांति रख, तेरे बाऊ जी है ना वो सब कुछ देख रहे हैं, वो अपनी बेटी के हित में ही करेंगे। हाँ शौर्य दादी जी कह रही है, मेरी बच्ची इसीलिए तो बेचारी तड़प कर आई है। अक्षरा खोल ना। बेटा नैतिक रिपोर्ट तैयार है ना? हाँ बाबूजी बस वही कर रहा हूँ, बस 10 मिनट। ओह नो, सारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस डिलीट हो गई, पता नहीं मुझे क्या हो गया। रहने दो, मैनेजर से करवा लूंगा मैं। नहीं बाबूजी मैं कर रहा हूँ, अभी हो जाएगा। रहने दो, तुम्हारा मन कहीं और है, वो जबरदस्ती अपने मन को यहां लगाने की कोशिश कर रहा है, मत करो। बेटा पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ना तुम वक्त पर खाते हो ना वक्त पर सोते हो और सवेरे भी जल्दी उठकर ऑफिस आ जाते हो। इस वक्त तो मानो ऐसे लग रहा है जैसे तुम अपने आप से भाग रहे हो। बेटा बेटा अपने आप से भागकर
समस्याओं का हल नहीं निकल सकता, समस्याओं का हल हालात संभालने पर निकलता है। मेरी बात मानो, अब भी वक्त है। ये लीजिए बाबू जी, आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई, मैं आपको मेल भी कर देता हूँ और एक प्रिंटआउट भी दे देता हूँ। और बाबू जी, मैं आज अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलो अपने दोस्तों से, उनसे बात करो। उनसे बात करोगे तो टेंशन भी कम हो जाएगी तुम्हारी, और तुम खुले दिमाग से सोचने लगोगे। सोचना जरूर। बाबू जी, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। अक्षरा बेटा, दरवाजा खोल, खाना लाई हूँ तेरे लिए। खोल बेटा, खाना तो खा ले। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सुबह से शाम हो गई है, अक्षरा अभी तक कमरे में ही है। मन बहुत घबरा रहा है, क्या करें? मन को चोट लगी है बड़ी बहू, थोड़ा वक्त दो उसे। सुबह से एक अन्न का दाना तक उसने मुंह में नहीं डाला है। की माँ जी, वो अक्षरा, सुबह से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, किसी के कहने पर भी नहीं खोल रही। क्यों, हुआ क्या जी? अब क्या बताऊं, उसका मन बहल जाए इसीलिए आज सुबह शौर्य उसे फिल्म दिखाने ले गया, लेकिन रास्ते में उसे जमाई सा दिख गए। अक्षरा गई उनके पास बात करने के लिए,
लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बस रोती हुई घर आई है और तब से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, किसी के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोल रही है। हम बात करते हैं अक्षरा से। अक्षरा बेटा दरवाजा खोलिए। अक्षरा बेटा दरवाजा खोलो। अक्षरा बेटा क्या हुआ था इस? बेटा अनि का अनादर करना उचित नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए खाने के लिए ना नहीं कहते। तो? बेटा हमने आपसे कहा था कि आपको बहुत सब्र रखना होगा, संयम से काम लेना होगा। हम जानते हैं जिस परीक्षा से आप गुजर रही हैं वो आसान नहीं है, लेकिन हमने जो भी फैसला लिया है आप ही के लिए लिया है, और अगर आपको हमारे इस फैसले से दुख पहुंचता है हम अपना फैसला बदलने के लिए तैयार हैं। हम आपको अभी इसी समय आपके ससुराल छोड़ाएंगे। हम अपना कोई भी फैसला आप पर थोपना नहीं चाहते। बाबूजी आपका फैसला सही है, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक नैतिक मुझे खुद लेने नहीं आते। मेरा मन जरूर वही है, लेकिन अगर वहां जाकर भी वो लोग मुझे दिल से नहीं अपनाएंगे तो मैं उतनी ही पराई रहूंगी जितनी कि मैं आज हूं। मैं आपकी बात समझती हूं, भाभी माँ। राधे कृष्णा।
राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलिए भाभी माँ। अरे सुनिए तो, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत नाराज है। मैं आपके घर आने वाली थी उस दिन के लिए माफी मांगने के लिए। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर बात यह है कि मुझे बहुत धक्का लगा जब मोहित ने नन्ही बिटिया के बारे में बताया। अब इकलौता बेटा अपनी मर्जी से शादी करे तो माँ का दिल तो टूट जाता है ना। और सच कहूँ तो मैंने नन्ही बिटिया के बारे में भी बहुत गलत समझा। अरे उसका मन तो एकदम फूल जैसा कोमल है, बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप है। मैं आप लोगों से दिल से माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जी। वो हमें अब चलना चाहिए। चलिए भाभी माँ। आप तो समझती है ना भाभी माँ, जब नन्ही बिटिया दुखी होती है तो आपका मन कैसे व्याकुल होता होगा। बस ऐसे ही मेरा मन भी पिघल गया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बारे में सोचें। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। हमारी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत हम जानते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्षमा चाहती हूँ लेकिन अब हमें जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मुन्ना बहुत देर हो गई बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी। मां मैं खुद कर लूंगा, आप रहने दीजिए। तू कहां गया था बेटा। बाबूजी ने आपको बताया नहीं मां, मैं आज अपने दोस्तों से मिलने गया था। बात बात में टाइम इतना निकल गया कि पता ही नहीं चला। वो संजय भी एकदम जोकर ही है, उसके मजेदार किस्से खत्म ही नहीं होते। हंसा हंसा कर उसने हालत खराब कर दी। और खाना भी बहुत टेस्टी था माँ, इसलिए मैंने पेट भर के वहीं खाना खा लिया। तू बैठो, बैठ तो। ले खाना खा ले। माँ मैंने आपसे कहा ना, मैंने पेट भर के खाना खा लिया। अब बस भी कर मुन्ना, कितना झूठ बोलेगा। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तू ठीक है, तू खुश है। मैं जानती हूँ तू खुश नहीं है। संजय का फोन आया था घर पर, पूछ रहा था तू कहाँ है। कह रहा था सब दोस्त इकट्ठा बैठे हैं और तुझे याद कर रहे हैं। जब से आशीष की सगाई हुई है तू किसी से मिलने ही नहीं गया। जानती हूँ, बैठा था बेटा अकेला, उदास, गुमसुम, भूखा प्यासा। चल अब जल्दी से कुछ खा ले। जब से अक्षरा गई है बेचैन रहने लगा है तू, हर समय उसे याद करता रहता। जानती हूँ नादान है बहू, लेकिन उसे भी तो इतनी तकलीफ हो रही होगी ना मुन्ना। तुम दोनों अपनी जिद में अपने आप पर क्यों जुल्म कर रहे हो। थोड़ा सा खा ले।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुकमणी, खेलने आपके साथ आंख मिचोली। 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।